देख रहे हैं जेबी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी टीवी। मुस्कुराइए, आप जेबी में है। दोस्तों, आज हमारे साथ शो से जुड़े हैं मेजर MI कुरैशी जी, जो कि पिछले 19 सालों से एज अ वेटरनरी डॉक्टर अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैसा कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है, तो सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि अपने पशुओं का रखरखाव कैसे करें, उन्हें सर्दी से कैसे बचाएं। तो डॉक्टर साहब, आमंत्रित हैं आपके सजेशंस, कैसे जो किसान भाई हैं वो अपने पशुओं का ध्यान रखें। वैसे तो जहाँ तक मैंने किसानों को देखा है, किसानों को बहुत कुछ पता है जी कि इस सर्दी में हर सीजन में अपने अपने एनिमल्स को वो कैसे रखते हैं। बेसिक काफी सारी चीजें वो करते हैं, बट थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे साइंटिफिकली, उनको समझ में आएगा कि ये सब क्यों करना होता है जी। तो हम वैसे देखें तो जितने पशु हैं वो खुद से अपना थोड़ा बहुत टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी को वो मैनेज कर लेते हैं, बट इसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रीडें हैं जिनको अलग अलग तरह से तापमान का फर्क आता है। जैसे हमारी देशी ब्रीड है, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे क्रॉस ब्रीड है उनको ठंड में बहुत ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टेम्परेचर से रिलेटेड है। खास बात जो ठंडों में देने वाली है कि पशु को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो रात का और सुबह का जो ठंडा टेम्परेचर होता है उस टाइम पे अगर अवॉइड कर ली जाए डायरेक्ट ठंडी हवा, तो पशु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। जैसा मतलब इंसानों में होता है कि घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि सीधे हवा में मत लेके जाओ, घर में रखो उसको, बाहर ले जाओ तो शॉल उड़ा के लेके जाओ। तो मेरे ख्याल से पशुओं में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, पशुओं में भी ऐसी है। आप अगर रोड पे देखेंगे तो जो रोड पे गाय रहती है, जब बहुत ठंडा होता है तो 10-15 गाय इकट्ठी होकर वो बैठ जाती है और एक दूसरे को वो हवा का और ठंड का प्रोटेक्शन वो दे देते हैं। इसी तरह से हमारे एनिमल्स को भी जब हम रखते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो डायरेक्ट हवा के लिए आप एक स्क्रीन लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, बट इसका ध्यान रखें कि जो हवा है हवा पूरी तरह से ब्लॉक ना हो, क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे ताकि उसकी जो गैसेस होते हैं जो वहाँ पर गोबर करती है, जो पेशाब करती है, जो उसको वो अमोनिया अदरवाइज बन जाता है। तो अमोनिया बनने से एनिमल ठंड का एक प्रकोप पड़ेगा, दूसरा उसको अमोनिया पड़ जाएगा, प्लस उसका जो नीचे गीला रहेगा वो गीलापन रहेगा, तो उससे एनिमल ज़्यादा बीमार होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, गीला ना रहे ज़्यादा और एनिमल को स्वस्थ रखें। बिल्कुल, किस तरीके का खाना खिलाएं, क्योंकि इंसानों में तो ऐसा होता है कि भाई सर्दियाँ शुरू हो गई, कढ़ी पिलाई जाए तो तासीर गर्म रहती है, मक्का बाजरा ये सब दिया जाए तो तासीर जो है गर्म रहेगी तो इंसान स्वस्थ रहेगा। तो पशुओं में क्या खिलाया जाए डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सीजन है खाने का जी। और इस सीजन में एक चीज और देखें, जब टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन करना होता है तो एनिमल को या ह्यूमन को सबको थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है ताकि वो उसका टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। सेम उसी तरह गायों में भी पशुओं में भी हमें वो करना होता है। अगर अच्छा रफेज डाइट दें जी। अच्छा रफेज डाइट से मतलब है कि अच्छा जो बरसीम है या खेत में आपके पास जो रखा हुआ ड्राई फोडर है उसको अच्छे तरीके से दें, थोड़ा ज्यादा भी दें तो चलेगा, क्योंकि ये रिमिनेंट्स हैं, ये फर्मेंटर्स हैं, तो जितना अच्छा रफेज देंगे तो वो अपनी बॉडी को उससे फर्मेंटेशन से एनर्जी मिलेगी। एक दूसरा, जो उसको बांट दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी उसको आधा किलो एक किलो के करीब अगर बढ़ा देंगे तो वो अच्छा रहेगा। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो खल आती है, अच्छा है ना, जैसे सरसों की खल है, हाँ। काकड़े की खल है, हाँ। तो खल में फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उससे वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा। तो ये फीडिंग प्रॉपरली टाइम पे जो देते हैं आप उसको दें, हाँ। एनिमल की एनर्जी रहेगी और प्रोडक्शन में भी कोई कमी नहीं आएगी, दूध अच्छा आएगा। अच्छा। पानी देते टाइम ध्यान रखें कि पानी रात का रखा हुआ पानी नहीं हो, क्योंकि उसका तापमान कम हो जाता है तो जानवर पानी नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा तो अफरा भी हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फिर एनिमल को और बीमारी होती है जी। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए जानवर को एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल। तो उसका फीडिंग और हाउसिंग दो चीजें अगर प्रॉपर है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पानी फ्रेश दो, कुनकुना पानी,
पानी पिए। अगर पानी एनिमल नहीं पीता है तो थोड़ा सा नमक डाल दें आप। अच्छा। थोड़ा सा नमक डालने से जो पशु है वो पानी अच्छा पिएगा। अच्छा। तो पानी पीना जरूरी है, उससे सारी चीजें ठीक रहेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं दोस्तों कि इस समय में जब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी जो है वो अपने पशुओं को दें, और अगर वो उसे नहीं पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डालिए तो वो उन्हें अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, सर्दियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो किस तरीके की बीमारियां हैं जो इस समय ज्यादा होने का खतरा है? इसमें बेसिकली हाइपोथर्मिया होता है, जिसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर हम उस पर खास ध्यान रखें तो हाइपोथर्मिया नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ मिनरल्स और विटामिन बराबर देते रहे। अच्छा। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब ठंड भी है और अगर एनिमल पर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, तो वो बैठ सकता है। अच्छा। और उसको फिर ठंड में प्रॉब्लम। तो जिस तरीके से मल्टीविटामिन दवाइयाँ जो हम लोग खाते हैं, क्या इसी तरीके से कोई दवाइयाँ हैं इनके लिए, या खाने में मिक्स करके दिया जाएगा, किस तरीके? बिल्कुल, इनके मिनरल मिक्सचर्स के पाउचेस आते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं। हर ब्रांड के अलग अलग हैं ना, हर पैकेजेस अलग अलग हैं। प्लस जो फीड बनता है, रेडीमेड बाट जो आता है, उस रेडीमेड बाट में भी मिनरल्स और विटामिन की क्वान्टिटी होती है, जो उसको हर चीज़ को स्वस्थ रखने के लिए ठीक है। जी, तो दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। फास्फोरस, मैग्नीशियम जी, सॉल्ट हम नमक के फॉर्म में दे ही रहे जी, तो ये सब देने से ठीक रहे जी। ठंडों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों में जी, है ना, बच्चों में निमोनिया के चांसेस हो जाते हैं। हाँ। तो होते ही है नॉर्मली, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। तो खास ध्यान ये देना है कि जो बच्चे देने वाली गाय है उनको ऐसी जगह रखना है जो बिल्कुल सूखा हो। नीचे अगर आप एक बिछाली बना सकते हैं जो भूसे की भी हो सकती है, या घास, सूखे हुए घास की हो सकती है, या त्रिपाल की हो सकती है, जिससे डायरेक्ट ठंडा ना लगे, फर्श ठंडा ना लगे जी। तो एक तो वो ध्यान रखें गाय के लिए भी, और काविंग वाली जो गाय जो बच्चा देने वाली है उसके लिए खास तौर से, जब वो बच्चा देते हैं तो गीला ना रहे, नीचे ठंडा ना रहे, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहे। और उसको बच्चे को खास हवा से रोकना है और बाकी ठंड से रोकना है, उसका ध्यान रखेंगे। अदरवाइज उसको निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया मतलब लंग्स में प्रॉब्लम होगी जी, तो वो बाकी सारी चीज़ें उसको एग्रेवेट होगी जी। ये तो बीमारियों की बात हुई डॉक्टर साहब, कैसे इसकी रोकथाम की जाए? मतलब रखरखाव की तो हम बात कर चुके हैं, अगर ये चीज़ें हो जाए तो कैसे उसकी रोकथाम की जाएगी? अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो तुरंत आपको पता चलेगा कि बच्चे का जो एक्शन है वो कम है, वो दूध नहीं पी रहा है जी। तो जैसे ही उसका दूध पीना कम होता है या उसकी एक्टिविटी कम होती है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाएं और उसको बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम। जितने जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी वो उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बच्चों का तो सेम है, जैसे हमारे बच्चों में भी होता है, वो उनका पता नहीं चलता है और सडनली वो बीमार पड़ते हैं, और सडनली बीमार पड़ने के बाद में फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके केसेस में थोड़ा ज़्यादा सडन होता है क्योंकि ये ऊपर से है, इसलिए तुरंत अगर कोई आपको एबनॉर्मलिटी दिख रही है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, एक्टिव नहीं है, दो मेन सिम्टम होते हैं जो गाँव वालों को पता चलता है, तो वो तुरंत पशु चिकित्सक के पास। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहें इस सीजन में? और कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा कि आप इनके अलावा जो डीवर्मिंग है वो आप डीवर्मिंग रेगुलरली रखें, आपका जो वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है अभी तक तो वैक्सीनेशन करवाएं, और जो टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, जिनको हम पिस्सू बोलते हैं, जानवर के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ठंड में हम उनको बंद कर देते हैं, उनको एक्सपोज नहीं करते हैं धूप में, बाहर नहीं ले जाते, तो उनसे वो बचें जी। और ये तो हो गई मतलब हवा से प्रोटेक्शन की बात। जिस तरह से आप अपने पशुओं को दिन में खोलते हैं, धूप उनको जरूरी है, उनको उसी तरह से खोलिए, बट टाइम का ध्यान रखिए, जब ठंडा टाइम हो उसको अंदर कर दीजिए और धूप का टाइम हो तो उनको बाहर बाहर कर लीजिए। तो मैसेज ये है कि हमारे किसान भाइयों को, सबको पता है कि अपने अपने पशुओं को कैसा ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बट थोड़ा सा ठंड का अगर प्रिकॉशन रखेंगे तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और पशुओं को भी स्वस्थ रहेंगे और उनका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।